राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने आज इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के तत्वावधान में आयोजित नॉर्थ जोन इंटर ऑडिट बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने आयोजकों को बधाई दी और सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे अपनी क्षमता अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने कहा कि आज विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ा है। वर्तमान में बच्चों एवं युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है, जिससे जीवन में स्वस्थ जीवन शैली को प्राथमिकता मिल रही है। उन्होंने कहा कि भारत को एक विश्व स्तरीय खेल शक्ति बनाने के लिए देश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और उनका पारदर्शी चयन महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रधान महालेखाकार चंदा एम पंडित ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि शिमला स्थित भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के तीनों कार्यालयों में 21 से 27 नवंबर तक लेखा सप्ताह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अंतरविभागीय उत्तर क्षेत्र बैडमिंटन टूर्नामेंट भी सप्ताह भर चलने वाले समारोह का हिस्सा है। आज आप यहाँ एक बहुत ही अच्छी पहल है ये, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, परंतु अपने नॉर्थ जोन के ऑडिट एंड अकाउंट्स के सभी अधिकारी खेल के मैदान में उतरकर, वैसे वास्तव में जिनके हाथ में लिखनी होती है, पेन होता है, वो अभी बैडमिंटन का रैकेट लेकर उतरे हैं और शटल के साथ खेलने वाले हैं। तो ऐसे सभी लोग जो यहाँ मैदान में उतरे हैं, बाकी सब लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हमारे यहाँ बहुत वर्षों से कहा गया है, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो खेल के मैदान में हम जीतने के लिए ही उतरते हैं, और उतरने के बाद जितना ही चाहिए जीत हमारी होगी, इस विश्वास के साथ हम खेल के मैदान में जब उतरते हैं, यह जितना जरूरी है, आवश्यक है, उतना ही हम खेलने के लिए भी उतरते हैं, यह भी जरूरी है, आवश्यक है। जीत किसी न किसी को, एक को ही मिलने वाली है, परंतु इस माध्यम से एक कुछ सद्भाव को निर्माण करना हम सबका दायित्व बनता है। आज, कल और परसों, ऐसे तीन दिनों में आप इस भाव को निर्माण करने में खेल के द्वारा, प्रतियोगिता के द्वारा सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ज्यादा समय इन दोनों के बीच में रहने की मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और शिमला के इस बहुत ही ठंडे मौसम में कुछ हमारे लिए गर्म का वातावरण निर्माण करें, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। हरेक को जीतने के लिए खेलना है और खेलने के लिए भी खेलना है, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। जय। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।